नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 जून, दिन शनिवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जीतनराम मांझी के 5 सीटों की मांग पर जदयू नेता श्रवण कुमार ने कही ये बात। धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में बिहार महागठबंधन के नेता निकालेंगे कैंडल मार्च। मुकेश सहनी ने बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा, बिहार से भी अधिक राजस्थान में है भ्रष्टाचार। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया स्लीपर सेल। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। सुशील मोदी ने मोदी सरकार की गिनवाई उपलब्धियां। केंद्र में मौजूद बीजेपी के सत्ता में आए पूरे 9 साल हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में गया के निजी होटल में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी समेत और भी कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित कर मोदी सरकार के कई उपलब्धियों को गिनवाते हुए सुशील मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। इसका प्रमाण यह है कि जब पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर गए तो सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऑटोग्राफ लिया था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को कहा था कि आप हमारे बॉस हैं। वहीं एक पैसिफिक देश के पीएम ने पांव छूकर प्रणाम किया था। यह देश का सम्मान है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा काम गरीबों के लिए किया गया। जीतनराम मांझी के 5 सीटों की मांग पर जदयू नेता श्रवण कुमार ने कही ये बात। जीतनराम मांझी के लोकसभा में 5 सीटों की मांग को लेकर जब बिहार सरकार में मंत्री और जदयू नेता श्रवण कुमार से सवाल किए गए तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी सभी दल पॉलिटिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। अपने अपने दल में कौन कहां से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, इसकी राजनीति बना रहे हैं। सब साझा बातचीत होगी तभी फला हुआ फल आएगा। अभी सभी पार्टी अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। जब तक बड़े नेता नहीं बैठेंगे तब तक फाइनल नहीं होगा। कांग्रेस के रवैये से विपक्षी एकता पर उठने लगे सवाल। विपक्षी एकता की बैठक को लेकर विपक्षी दल कितने गंभीर हैं, अब इस पर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। दरअसल ऐसी खबर सामने आई है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ही इस बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे, जबकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव द्वारा इस बैठक का समय राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुमति के बाद ही तय किया गया था। ऐसे में कांग्रेस के इस रवैये से विपक्षी एकता पर सवाल उठने तो लाजमी है। कांग्रेस के इस रवैये को लेकर अब जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान सामने आया है। उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि इन राज्यों में 2019 में संसदीय चुनाव के वक्त कांग्रेस की सरकारें थी, मगर सीटें कितनी मिली? 3 राज्यों में 65 सीटें में सिर्फ 3 सीटें। आगे उन्होंने कहा कि कर्नाटक के सहारे 2024 की जीत का फॉर्मूला बना रहे कांग्रेस को पटना की बैठक से पहले आत्ममंथन की जरूरत है। वहीं अब दूसरी ओर केजरीवाल के भी इस बैठक में शामिल होने को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि अक्सर कांग्रेस को लेकर अरविंद केजरीवाल अपने विचारों को लेकर मुखर होते नजर आए हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि यदि यह बैठक कांग्रेस में मौजूदगी में होती तो केजरीवाल के उस बैठक में शामिल होने की उम्मीद कम है। केजरीवाल ने हेमंत सोरेन से मुलाकात कर बीजेपी पर लगाया आरोप। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध लाए गए अध्यादेश के खिलाफ देश भर में मुहिम चलाने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने झारखंड पहुंच चुके हैं। हेमंत सोरेन ने केजरीवाल को भरोसा दिलाया कि वे इस मामले में सड़क से सदन तक उनका साथ देंगे। वहीं केजरीवाल ने मोदी सरकार को लेकर कहा कि भाजपा पूरे देश में चुनी हुई गैर भाजपा सरकार को तोड़ मोड़ कर खरीद कर गिराने का काम करती है। झारखंड में भी हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, लेकिन हेमंत सोरेन ने इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने दिया। आगे उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी चुनी हुई सरकार पर डाका डालती है, कहीं एमएलए को खरीद लेते हैं, कहीं ईडी सीबीआई को लगातार तोड़ते हैं। ट्रेन हादसे पर राजद ने रेलवे के नए फीचर पर सवाल उठाते हुए रेल मंत्री से की इस्तीफे की मांग। बालसोर में एक बड़े ट्रेन हादसे की खबर सामने आई है। खबर लिखे जाने तक लगभग 280 लोगों के मौत की खबर मिली थी। इस घटना को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अलर्ट मोड में आ चुके हैं। इस मामले को लेकर वे घटनास्थल पर पहुंचकर हर पल की खबर तमाम अधिकारियों से ले रहे। ट्रेन से हुई इस घटना को लेकर जब अश्विनी वैष्णव से मीडिया द्वारा पूछा गया कि विपक्षी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जिस तरह की घटना है उससे मानवीय संवेदना बेहद अहम है। मैं यही करूंगा कि सबसे पहला फोकस रेस्क्यू और रिलीफ पर है। वहीं बिहार से राजद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग करते हुए रेलवे के नए फीचर कवच पर भी सवाल उठाए हैं। धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में बिहार महागठबंधन के नेता निकालेंगे कैंडल मार्च।
दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के आंदोलन की चिंगारी अब बिहार तक भी पहुंच चुकी है। दरअसल पहलवानों के समर्थन में बिहार के महागठबंधन नेता भी उतर चुके हैं, इसलिए उन्होंने पहलवानों के पक्ष में कैंडल मार्च निकालने की तैयारी कर ली है। बता दें कि यह कैंडल मार्च महागठबंधन में मौजूद पार्टी द्वारा इनकम टैक्स गोलंबर से डाक बंगला चौराहा तक निकाला जाएगा। हालांकि महागठबंधन के स्कैंडल मार्च को शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि विपक्षी एकजुटता का माहौल पूरे देश में चल रहा है। ऐसे में पहलवानों के समर्थन में कैंडल मार्च निकालकर महागठबंधन केंद्र सरकार के विरुद्ध रणनीति की तैयारी भी कर रहे हैं। स्कैंडल मार्च के बाद 12 जून को ही विपक्षी एकजुटता की बैठक होने वाली है। इस बैठक के बाद बिहार में महागठबंधन में मौजूद पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ जातिगत जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी पर 15 जून को एक बार फिर से प्रदर्शन करेगी। मुकेश सहनी ने बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है। दरअसल खगड़िया में रणवीर सहनी की हत्या किए जाने के बाद बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, तभी आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। वहीं सरकार और अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि अपराधियों को सजा दिलाई जाए। सम्राट चौधरी ने बिहार को बचाना है तो नीतीश मुक्त बिहार बनाना होगा। बीते ही दिनों जमुई पहुंचे सम्राट चौधरी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक काम हुए हैं। बीजेपी सबका साथ और सबका विकास में विश्वास रखती है। वहीं अपने भाषण के दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए नारे लगाए कि बिहार को बचाना है तो नीतीश मुक्त बिहार बनाना होगा। आगे उन्होंने नीतीश को मेमोरी लॉस बताते हुए कहा, नीतीश की पार्टी का 2024 और 2025 में खाता नहीं खुलने वाला है। नीतीश को खुद याद नहीं कि वे मुख्यमंत्री हैं कि प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री, वे मेमोरी लॉस हो चुके हैं। झारखंड में जदयू को मजबूत करने को लेकर अशोक चौधरी ने कही ये बात। झारखंड जदयू के नए प्रभारी अशोक चौधरी का जदयू पार्टी संगठन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि अशोक चौधरी बिहार के भवन निर्माण मंत्री भी हैं। उन्होंने जदयू पार्टी को लेकर कहा है कि झारखंड में पार्टी संगठन की स्थिति अच्छी नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि इसके पीछे क्या कारण रहे, इस पर चर्चा का समय नहीं है, लेकिन झारखंड में जदयू का इतिहास अच्छा रहा है, इसलिए यहां अच्छे प्रदर्शन की संभावना है। इसके लिए काम होगा, जब हम संगठन को मजबूत करेंगे तभी सहयोगी दलों से बात कर पाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि जब तक हमारे पास 5-7% वोट नहीं होगा तो सहयोगी दल हमें क्यों तरजीह देंगे। जब उनको लगेगा कि हम खेल बना या बिगाड़ सकते हैं तभी तो पूछेंगे। बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने झारखंड में जदयू को मजबूत करने का एक चुनौती है। शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से बीजेपी नीतीश सरकार पर हुई हमलावर। अक्सर बिहार में शराबबंदी को लेकर विरोधी दल बिहार सरकार पर हमलावर होते दिखाई देते हैं, लेकिन इसी बीच अब एक बार फिर से शराबबंदी कानून में एक बार फिर से संशोधन किया गया है। जहां मद्य निषेध विभाग की तरफ से शराबबंदी कानून में संशोधन करके ये प्रावधान लाया गया है कि शराब तस्करी में पकड़े जाने वाले वाहनों को वाहन के इंश्योरेंस के 10% राशि लेने के बाद छोड़ दिया जाएगा। बता दें कि पहले 50% तक की थी। बिहार सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। बीजेपी द्वारा कहा गया कि शराबबंदी मुहिम से सिर्फ शराब माफियाओं को ही फायदा पहुंच रहा है। आज घर घर शराब मिल रही है और सरकार के लोग ही शराब के अवैध धंधे में संलिप्त हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया स्लीपर सेल। आगामी चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से बीजेपी ने कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि इंडियन मुस्लिम लीग अलग है और जिन्ना साहिब की मुस्लिम लीग अलग है। जिन्ना साहिब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वह राष्ट्रपति रहे और उनका सम्मान लाल कृष्ण आडवाणी ने भी किया था और उनको स्वर्गीय जसवंत सिंह ने एक सेक्युलर लीडर बताया था। इस बयान को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू ने ट्वीट करते हुए कहा कि ओसामा जी के बाद जाके शांति दूत अब जिन्ना साहिब, वह धिक्कार राजा। वायनाड की मुस्लिम लीग हो या जिन्ना की, कांग्रेस उसकी स्लीपर सेल ही तो है। अल्लामा इकबाल की आरती उतारने टीपू को महान सुल्तान, जिन्ना को आदर देने वाले भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले कौन है। कांग्रेसी बता दे कि बीजेपी नेता के इस ट्वीट पर कांग्रेस ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बिहार में अपने आधारभूत जातीय समीकरण को कांग्रेस कर रही मजबूत। कांग्रेस विधायक दल के पद से भागलपुर विधायक अजीत शर्मा की छुट्टी कर कांग्रेस विधायक दल के नए नेता शकील अहमद खान को चुन लिया गया है। भले ही इसका कारण जो भी दिया जा रहा हो, लेकिन वजह यह है कि पार्टी में मौजूद 4 MLC सवर्ण जाति से अपना संबंध रखते हैं। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्षों में भी आधे से ज्यादा लोग सवर्ण जाति से ही हैं। इन्हीं वजहों को देखते हुए पार्टी ने अजीत शर्मा को जगह शकील अहमद खान को विधायक दल का नेता चुन लिया है। बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद
सिंह ने अपनी अध्यक्षता में यह बदलाव किए हैं, क्योंकि आगामी चुनाव में कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने के लिए वे जातीय समीकरण पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। भयावह ट्रेन हादसे को लेकर बिहार सहित पूरे देश में बीजेपी ने रद्द किए अपने कार्यक्रम। ओडिशा के बालेश्वर में भयावह ट्रेन हादसे को लेकर पूरा देश गमगीन है। अब इसी बीच यह खबर सामने आई है कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उसे स्थगित कर दिया गया है। ट्विटर के जरिए बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा भी यह जानकारी दी गई है कि ओडिशा में ट्रेन हादसे को लेकर गोपालगंज में उनका कार्यक्रम नहीं होगा। भाजपा ने बिहार में भी चलाए जा रहे तमाम कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। सम्राट चौधरी के अलावा सुशील मोदी द्वारा भी कार्यक्रम स्थगित करने की खबर सामने आई है। सम्राट चौधरी ने इस भयावह दुर्घटना को लेकर कहा कि यह पूरे देश के लिए दुख की घड़ी है, हम सभी को मृतकों के परिवार के साथ रहना चाहिए। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। बिहार के शिक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर मुखर नजर आते प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। दरअसल इस बार उन्होंने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बिहार में पढ़ाई के लिए पैसे खर्च नहीं किए जा रहे हैं। आज बिहार जैसे गरीब राज्य में हर साल 40,000 करोड़ रुपए शिक्षा बजट के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं। इस 40,000 करोड़ रुपए में आपके बच्चों को कीड़े वाली खिचड़ी और साइकिल के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा। आगे उन्होंने कहा कि आपके बच्चे स्कूलों में कीड़े वाली खिचड़ी खाएंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे। यदि पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर मजदूर ही तो बनेंगे। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा बिहार से भी अधिक राजस्थान में है भ्रष्टाचार। बीजेपी कोटे से केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे इन दिनों मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर राजस्थान के कोटा दौरे पर हैं। यहां आए अश्विनी चौबे ने मीडिया से बातचीत के दौरान राजस्थान के कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये लोग CBI और ED का हवाला देते हैं। जो लोग जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खा रहे हैं वह जेल के पीछे जाएंगे। आगे उन्होंने बिहार से राजस्थान की तुलना करते हुए कहा कि यहां तो बिहार से भी ज्यादा भ्रष्टाचार है। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है अमित कुमार, अनिल सुनील, सोनम मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन, मौलाना जाबिर, अनवर करीम खान, राज किशोर महतो, अजीत पोरस, नुनू गोलू कुमार। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है ओडिशा में हुए भयावह ट्रेन हादसे पर विपक्षी रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे, इस पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।